हाय एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं चैनल टेक्निकल पेंडा। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ यूट्यूब से रिलेटेड चार ऐसे टूल जिनका यूज आप कर सकते हो अपने वीडियो को अपलोड करते टाइम। जी हाँ दोस्तों, इन टूल का यूज करके आप अपनी वीडियो को ज्यादा फास्टली और स्मार्ट तरीके से यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हो। और ये सारे टूल जो है आपको मोबाइल वर्जन पे भी काम करेंगे और डेस्कटॉप वर्जन पे भी काम करने वाले हैं। तो कहना चाहूंगा कि वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और नए हैं तो रेड कलर वाला सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आओ फिर बात करते हैं वो चार टूल जिनका आप यूज कर सकते हो अपने वीडियो को अपलोड करने के टाइम पे। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, लाइक बटन दबा के हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबाएं, उसके बाद इस घंटे को दबाएं और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें शेयर बटन पे क्लिक करके। तो सबसे पहले बात करते हैं, जब भी आप अपना थंबनेल बनाते हो और चाहते हो अपने थंबनेल में अपनी इमेज को लगाना, तो प्रॉब्लम क्या होती है कि उस इमेज की बैकग्राउंड को इरेज करना। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें हम एक वेबसाइट आपको बताने वाले हैं, दिखाएंगे आपको कि सिर्फ 5 सेकंड में ही आप अपने इमेज का बैकग्राउंड जो है वो इरेज कर सकते हो फास्टली एकदम। तो आओ फिर देखते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या होगा, ये एक वेबसाइट है आप देख सकते हो remove.bg, ठीक है। आपको यहाँ पे जाना होगा remove.bg, इस वेबसाइट पे आपको जाना होगा और कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट और फोटो पे क्लिक करना होगा और जो भी इमेज आपको चाहिए, जैसे मान लो मुझे ये वाली इमेज चाहिए तो इसे मुझे क्लिक करके ओपन करना होगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे ये कैप्चा फिलअप करना होगा, तो मैं इसे फिलअप कर देता हूँ फटाफट। और इसके बाद ही आपकी इमेज को अपलोड करने लगेगा। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि इमेज जो है वो अपलोड हो चुकी है और आउटपुट जो आया है यहाँ पे हम आपको अब आउटपुट दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लो कि ये ओरिजिनल इमेज थी और ये वाली इमेज का हमने बैकग्राउंड रिमूव किया है। आप यहाँ पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हो और सिंपली हम इसको सेव कर दे रहे हैं। फिर मैं आपको इसको दिखाता हूँ ओपन करके। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो बैकग्राउंड है वो इरेज हो चुका है। फटाफट इस टूल का यूज करके आप अपने इमेज का बैकग्राउंड इरेज कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अपने दूसरे टूल के बारे में। जब आप अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिखते हो तो बहुत सारे लोगों को लिखने में बड़ा टाइम लगता है, तो यहाँ पे जिस वेबसाइट के बारे में हम बात करने वाले हैं वहां पे सिर्फ आप बोल के अपने डिस्क्रिप्शन वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप लिख सकते हो। जी हाँ दोस्तों, तो आओ फिर देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे जिस वेबसाइट के बारे में बात करने वाला हूँ ये है स्पीच नोट, और यहाँ पे कुछ भी आप बोल के टाइप कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ से आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं सर्च कर लेता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ हिंदी, आप चाहो तो इंग्लिश भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद आपको इस वाले आइकन पे क्लिक करना होगा। तो हम इस पे क्लिक करते हैं, फिर बोलेंगे ओके। और यहाँ पे आपको अलाउ करना होगा, माइक्रोफोन का ये परमिशन मांग रहा है तो आप अलाउ कर दो। हाय दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आज की वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ यूट्यूब टूल के बारे में। तो देखा आपने, हमने बोल के टाइप कर लिया, फटाफट इसको सेलेक्ट एक करके कॉपी कर लो और जहां भी पेस्ट करना हो आप इसको पेस्ट कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे हम तीसरे टूल के बारे में बात करने वाले हैं अपने वीडियो के टाइटल को लेके। जी हाँ दोस्तों, आप अपने वीडियो के टाइटल सर्च कर सकते हो कि उसका ट्रेंड कैसा है, कितना सर्च हो रहा है और कैसा टाइटल आप यूज कर रहे हो, आप इस वेबसाइट का यूज कर सकते हो। ये गूगल की एक वेबसाइट है। और दोस्तों इसके आपको करना क्या होगा, ये एक वेबसाइट है गूगल ट्रेंड, और यहाँ पे सबसे पहले जाओ यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट लिखा हुआ है और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है इंडिया। और यहाँ पे जैसे आप इंडिया सेलेक्ट करते हो आपको यहाँ पे पूरे डिटेल्स मिल जाएंगे कि क्या ट्रेंड कर रहा है आज के डेट में, करंट डेट में क्या ट्रेंड कर रहा है, उसके हिसाब से भी आप वीडियो बना सकते हो। और फिर चाहो तो यहाँ पे टॉपिक सर्च कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए हम सर्च करते हैं टॉपिक कोई भी, पेटीएम KYC, ठीक है। यहाँ पे जो रिजल्ट आता है आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको पूरा रिजल्ट दिख रहा है 12 महीने का। चाहो तो यहाँ से आप पिछले 7 दिन या पिछले दिन का रिजल्ट देख सकते हो। और पिछले दिन का रिजल्ट हम देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हो कितनी हाई सर्च रैंकिंग इसकी है, हर टाइम में ये ऊपर नीचे होता रह रहा है। तो इसका मतलब इस टॉपिक पे आप वीडियो बनाओगे तो आपको व्यू सर्च से ज़रूर मिलेंगे। और यहाँ पे ये पूरे मतलब वेब से सर्च हो रहा है, इमेज से सर्च हो रहा है, और यहाँ से आप यूट्यूब सर्च भी यहाँ से आप देख सकते हो उसका रिजल्ट कैसा है यूट्यूब का सर्च। तो आप देख सकते हो टेढ़ी मेढ़ी लाइनें हैं, यानी कि सर्च हो रहा है काफ़ी ज़्यादा और पूरे इंडिया से सर्च हो रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा बिहार से सर्च हो रहा है। और यहाँ पे आप इस तरीके का टैग भी अपने वीडियो के अंदर यूज कर सकते हो या फिर इनसे आप वीडियो बना भी सकते हो। और यहाँ पे हम आपसे बात करने वाले हैं चौथे टूल के बारे में, जो कि है वीडियो के टैग को लेकर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप अपनी वीडियो से रिलेटेड टैग सर्च कर सकते हो और अच्छे टैग आपको मिलेंगे, आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो फिर आपको बताता हूँ कैसे इस वेबसाइट का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे इसके लिए आपको करना क्या होगा, ये एक वेबसाइट है रैपिड टैग, ठीक है,
रैपिड टैग वेबसाइट पे आपको जाना होगा और सारे जो वेबसाइट की लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको यूज टूल फॉर फ्री पे क्लिक करना होगा, अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हो चाहो तो आप, तो सिंपली इस पर क्लिक करते हैं हम। और यहाँ पे आपको टैग सर्च करने के लिए आपके अपने वीडियो का टाइटल डालना होगा यहाँ पे, तो मैं डालता हूँ। और आपको यहाँ पे सर्च करना होगा, जैसे सर्च करते हो यहाँ पे आप नीचे टैग देख सकते हो, बेहतरीन टैग आपको मिल चुके हैं। और चाहो तो यहाँ से पहले आप आई एग्री करके और इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हो सारे टैग को, और फिर पेस्ट कर सकते हो जहाँ पे आपको इस वीडियो का टैग डालना है। ठीक है, कौन पे कहना चाहूंगा कि वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और नए हैं तो रेड कलर वाला सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।